पंचायत का चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में बरसवाड़ा जनपद के ग्राम कुरिंडा के ग्रामीणों ने अधूरे सड़क निर्माण व नाली निर्माण से बरती गई धांधली व अनियमितता किए जाने से आक्रोशित होकर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर पोस्टर लगाकर सांकेतिक रूप से चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 8-9 माह से ग्राम कुरिंडा में तकरीबन 9 लाख रुपए की लागत से नाली और सड़क का निर्माण किया जा रहा है। नाली निर्माण से अनियमितता बरती गई है। वहीं अब तक यहां के सड़क का निर्माण भी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण नहीं किया गया, जबकि 8-9 माह पूर्व अक्टूबर नवंबर में नाली और सड़क निर्माण के लिए आवंटित राशि का आहरण कर लिया गया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले रोड फिर वोट नहीं देने की बात कहकर अपने विरोध ग्राम पंचायत कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकट किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क व नाली निर्माण के लिए शासन की योजना अंतर्गत 15वें वित्त से आवंटित राशि का आहरण अक्टूबर नवंबर माह में हो चुका है तो ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने अभी तक निर्माण क्यों नहीं करवाया। उनका कहना है पंचायत द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार साइन बोर्ड लगाया जाने चाहिए, परंतु वहीं ग्राम कुरिंडा में सचिव रामेश्वर ब्रह्मे का कहना है कि निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था परंतु मजदूर न मिलने की वजह से व DSC बंद होने की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैं आपका यहाँ पे आप लोग क्यों एकत्रित हुए? हमारा घर के सामने रोड नहीं बना है इसलिए। कौन से वार्ड क्रमांक का? वार्ड नंबर 9। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे घर के सामने रोड बनना चाहिए और जो ये नाली बना है उसके ऊपर ढक्कन ढाल के देना चाहिए। अच्छा, नहीं बनी रोड तो क्या करेंगे आप लोग? रोड नहीं बनेगी तो हम तो कोई भी पंच उठे मोठ नहीं देंगे। अच्छा। चुनाव के पहले बनना चाहिए, उसके बाद ही वोट देंगे। और अभी हमारे घर के सामने शादी है, वो नाली में चीप पत्थर डलवा देना चाहिए, नहीं तो कहीं गिरेंगे और मरेंगे, हाथ पैर टूटेंगे। कब से काम शुरू हुआ था रोड का? रोड तो 8-9 महीना होने लगा धीरे धीरे, और क्या। अभी तक काम नहीं हुआ? अभी तक काम नहीं हुआ। 3 दिन और चला। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ, देख रहे हो अधूरा अधूरा पड़े है पूरा। ठीक, लगाया गया है, किस लिए लगाया गया? ये रोड पिछले 6 महीने से बन रही थी पर आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने गांव के जो है हमारे वार्ड नंबर 9 के जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये रोड का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से काम चल रहा था जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो सब लोगों का कहना है कि जब तक से वो रोड नहीं बनेगी जब तक से हम वोट नहीं देंगे। और रोजगार सहायक को हटाने की हमारी मांगे हैं, रोजगार सहायक को तुरंत हटाया जाए। क्या नाम है रोजगार सहायक का? रोजगार सहायक का है मनीष सयाम। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग रोजगार सहायक को हटाया जाए और तुरंत तुरंत ये रोड को, जब तक से रोड नहीं बनेगी जब तक से हम वोट नहीं डालेंगे। ये सब लोगों की ये मांग है कि तुरंत तुरंत रोड बनाया जाए। क्या नाम है आपका? शकुन। कहाँ रहते हैं? कुरिंडा। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम इसलिए आए हैं कि जब तक हमको पैसा नहीं देंगे और काम नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देना चाहते। कौन सा काम? रोड का। कौन सी सड़क का? ये वाली, क्या तो तो वहाँ आपने काम किए हैं? अभी भी बीच में किए हैं 3 दिन तक। अच्छा, तो अभी तक पैसा नहीं मिला है? कौन काम करवा रहा था? ग्राम पंचायत। मैं आपका मनोज ब्रह्मे। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुरिंडा वार्ड नंबर 3। क्या समस्या हो गई, क्यों आप लोग एकत्रित हुए हैं? हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि रोड का काम 6 महीने से चल रहा है, परंतु जो एस्टिमेटर जो आया 4.5 लाख का, 3.5 लाख का, केवल जो भी काम करा रहा है उसको 2-2 लाख रुपए राशि मिली है, उसके बाद की राशि इनके DSC में है ही नहीं। अब जब बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, रोड नहीं बन रहा है, तो ये बोल रहे हैं मनरेगा से देंगे। 15 वित्त का पैसा मनरेगा से कोई भी काम कराने लगा कैसे लेगा, इसलिए रोड का काम रुका हुआ है। अब पैसे मांगने जाओ तो बोलते हैं DSC नहीं है, फिर 15 दिन बाद बोलते हैं अब DSC खत्म हो गई, वैसे भी अभी आचार संहिता लागू है, तो बोल रहे हैं समन्वय की DSC बनेगी तब पेमेंट करेंगे। ये बनते बनते आज 9 महीने हो गए, ये लोग पेमेंट दे नहीं रहे, और जो भी काम करवाने वाले हैं वो पहले काम कर चुका है उसके बाद वो पैसा मांग रहे हैं, लेकिन इनको पैसा दिया नहीं आ रहा, इसलिए रोड का काम रुका हुआ है। कौन लोग पैसा नहीं दे रहे? पंचायत द्वारा। अच्छा, और पंचायत के लेबरों का पेमेंट भी नहीं हुआ बोलते, और लेबरों को भी पेमेंट नहीं हुआ है। अब इसकी लेके हम शिकायत जनपद भी गए थे, तो बोल रहे कि पहले काम करा उसके बाद पैसे देगा। हम काम करा लेंगे लेकिन फिर बाद में पैसा कहाँ से देगी पंचायत, इसलिए आप लोग। और वार्ड नंबर 9 के, इसीलिए वार्ड नंबर 9 के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं,
वो बोल रहे हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगा हम वार्ड नंबर 9 को किसी को वोट डालेंगे ही नहीं। अच्छा, जानकारी मिल रही है कि और भी निर्माण कार्य जो हैं? हाँ, और भी बहुत सारे निर्माण कार्य हैं, जैसे ओटला का पूरा नहीं हुआ है, सेग्रीगेशन पूरा बाकी है, है ना, और अपना आंगनवाड़ी आदि आधा अधूरी बाकी है, स्लैब होने के बाद उसका पूरा बाकी हुई है, हमारा नाली लगभग ढक्कन लगाने का है, रोड पूरा बाकी है, और ओटला का पूरा निर्माण नहीं हुआ है अभी, ऐसे बहुत सारे काम है और नए नए काम आ रहे हैं उसमें। और दूसरी समस्या रोड बनाने में ये आ रही है कि मज़ काम पे नहीं आ रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं एक तो पंचायत सुधरे, और दूसरी बात हमारे सहायक सचिव की बहुत बड़ी लापरवाही है, हमको वो यहाँ नहीं चाहिए किसी भी स्तर पे, हमको ट्रांसफ़र चाहिए उसका यहाँ से दूसरा गाँव। क्या कहना चाहेंगे? निर्माण कार्य हुआ है तो कार्य चालू किए थे, लेकिन कुछ समस्या आने की वजह से कार्य बंद हो गया है, लेबर की समस्या थी, और फिलहाल अभी भुगतान में DSC बंद हो चुकी है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। कम से कम लगभग 9 महीने से काम बनने वाला है, 9 महीने अगर रोड बनते हुए। अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पूर्व सचिव ही बता रहे हैं। जो भी चुनाव बहिष्कार जो कर रहे हैं लोग, इसका निराकरण कैसे करेंगे आपके द्वारा? नहीं, काम करवाएंगे एक सप्ताह के अंदर। ग्रामीणों का कहना है कि राशि जो है वह पूरी आहरित कर ली गई है, उसके बाद भी 8 महीने बाद भी जो है निर्माण नहीं हुआ है पूरा। मेरे यहाँ पदभार ग्रहण करने के पश्चात मात्र 2 लाख रुपए बिखरा हुआ है, इसके पूर्व की जानकारी तो पूर्व सचिव दे पाए। लगभग कितने का निर्माण था ज्यादा? ये लगभग 5 लाख का है। साढ़े तीन मनरेगा जोड़ के टोटल 8 लाख। ठीक।